दोस्तों आईपीएल 2024 के खत्म होने के बाद यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए क्या क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है इनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जहां पर कुछ कंफर्म रिलीज प्लेयर की भी बात करेंगे और भी बड़ी खबर है जिसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग की टीम को कौन से प्लेयर को रिलीज करना चाहिए अगले ऑक्शन से पहले कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। आईपीएल 2024 की बात करें तो शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी, टेबल टॉप पर थी स्टार्टिंग में चेन्नई सुपर किंग की टीम, लेकिन इसके बाद जब इनके प्लेयर्स इंजर्ड हुए अनअवेलेबल हुए तो इनका सीजन जो है वो उतना अच्छा नजर नहीं आया और एंड में ये टीम प्लेऑफ में भी क्वालिफाई जो है वो नहीं कर पाई। तो आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में हमें नजर नहीं आई चेन्नई सुपर किंग की टीम और अगले साल यहां पर अब ये टीम वापसी के इरादे से जो है वो उतरेगी, जहां पर आईपीएल 2025 से पहले एक मेगा ऑक्शन भी हमें देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली खबर बात करते हैं एमएस धोनी की कि क्या एमएस धोनी अगला सीजन खेलेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है आईपीएल 2024 के बाद, जहां पर आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आईपीएल 2025 में भी एमएस धोनी जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे, अवेलेबल जो है वो नजर आएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है और बहुत ही अच्छी खबर है चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए, चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए। हालांकि एमएस धोनी की बात करें तो एमएस धोनी की तरफ से जो अपडेट है वो ये कि उन्होंने यहाँ पर आईपीएल 2024 के बाद अपने ऑफिशियल्स को कहा है कि अभी उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, 2-3 महीनों में वो अपना फाइनल डिसीजन टीम को जो है वो बताएंगे, यानी कि आईपीएल 2025 का जो ऑक्शन होगा उससे पहले वो अपना फाइनल डिसीजन टीम को जो है वो बताएंगे कि वो अगले सीजन के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं। वहीं दोस्तों बात करें अगले सीजन की तो मेगा ऑक्शन जो है वो होने वाला है, जहां पर टीमें मैक्सिमम प्लेयर अपने रिलीज करती हुई नजर आएगी। चेन्नई सुपर किंग के कुछ कंफर्म रिलीज की बात करें तो सबसे पहला नाम हमें नजर आ रहा है डैरी मिचेल का। यहां दोस्तों डैरी मिचेल जिन्हें इस साल 14 करोड़ रुपए ऑक्शन में दिए थे, कुछ खास सीजन इनका जाता हुआ नजर जो है वो नहीं आया। शुरुआती मुकाबलों में तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था एंड ये कुछ मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने जो है वो किया, लेकिन कंफर्म रिलीज होते हुए हमें नजर आएंगे। दूसरा नाम है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर जिन्हें 4 करोड़ रुपए में खरीदा था, 9 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 5 विकेट ये निकाल जो है वो पाए हैं। इन्हें खिलाना पड़ा था टीम को क्योंकि काफी सारे प्लेयर जो है वो इंजर्ड हुए थे, अनअवेलेबल हुए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी अपने आप को बिल्कुल भी प्रूफ नहीं कर पाए और ऐसे में कंफर्म रिलीज प्लेयर की लिस्ट में शार्दुल ठाकुर भी हमें जो है वो नजर आएंगे। आने वाले टाइम में दोस्तों हम एक वीडियो जो है वो सभी टीमों के ऊपर बनाने वाले हैं कि कौन सी टीम कौन से प्लेयरों को कंफर्म जो है वो रिलीज करेगी। यहां पर फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए जो अपडेट्स निकल कर आ रही थी इंपॉर्टेंट वो हमने आपको दी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।